बादशाह अकबर और बीरबल मनोविनोद कर रहे थे तभी बीरबल बादशाह से बोले हुजूर, आजकल आप लगातार मोटे होते जा रहे हैं गुस्ताखी माफ हो मगर अब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ आप बाद में पहुँचते हैं आपकी तो पहले पहुँच जाती है बादशाह ने झेपते हुए जवाब दिया यह सब शाही रसोई की वजह से हुआ है वह खाना बनाने में घी तेल और मिर्च मसालों का भरपूर इस्तेमाल करता है नहीं हुजूर बीरबल बोले ये वजह से हुआ है कि आपको कोई चिंता नहीं है अगर किसी शख्स पर लगातार चिंता या तनाव हावी रहे तो वे अच्छे से अच्छा खाना खाने के बाद मोटा नहीं हो सकता मैं यह बात नहीं मानता एक जानवर भी बढ़िया खाना खिलाने पर मोटा हो जाता है तुम अपनी बात साबित करके दिखाओ बादशाह शाह ने बीरबल को चुनौती दी अगले दिन बीरबल ने बाजार से एक बकरी खरीदी और एक बार बादशाह को दिखाकर उसे अपने घर ले गए उन्होंने अपने नौकरों से उस बकरी को रोज अच्छे से अच्छा खाना खिलाने को कहा बीरबल ने यह बात बादशाह को पहले ही बता दी थी कि बकरी को बढ़िया भोजन दिया जाएगा नौकरों ने ऐसा ही किया धीरे धीरे एक महीना गुजर गया फिर बीरबल ने बादशाह से खुद चलकर उस बकरी का निरीक्षण करने का आग्रह किया अकबर बीरबल के साथ चल पड़े जब उन्होंने बीरबल के घर पहुँचकर उस बकरी को देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई बकरी बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई थी उल्टे वह कमजोर सी लग रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दहशत में हो मुझे तो बड़ी हैरत है, है बीरबल कि ये बकरी मोटी क्यों नहीं हुई क्या इसकी खिलाई पिलाई में लापरवाही हुई है बादशाह बोले बिल्कुल नहीं हजूरे आला बीरबल तुरंत बोले आप नौकरों से इस बात की जांच कर सकते हैं। तब तो ये बड़े ताज्जुब की बात है कि इसका वजन फिर भी नहीं बढ़ा बादशाह ने बड़ी हैरत से कहा मैंने उसे शेर के पिंजरे से बांध दिया था इसके बाद उसे एक महीने तक अच्छे से अच्छा खाना खिलवाया मगर शेर के पास रहने से उसके मन में बनी दहशत ने उसका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया बीरबल ने बादशाह को बताया बादशाह को मानना पड़ा कि बीरबल ने अपनी बात साबित कर दी है